कल्याण शहर से सटे कोन गांव में नवदुर्गा मित्र मंडल द्वारा नवरात्रि का त्यौहार हर्ष व उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। हर दिन नवरात्रि पंडाल में किसी न किसी प्रकार का सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा गिरधर नगर में गरबा प्रेमी भी गरबा रास का आनंद उठा रहे हैं। मंगलवार की शाम नवदुर्गा मित्र मंडल द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 1 साल से 5 साल के बच्चे, 5 साल से 12 और 12 से आगे, इस तरह 3 गटों में वेशभूषा प्रतियोगिता ली गई। तीनों ही गटों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमांक के पारितोषिक वितरण किए गए। शंकर पार्वती, राधा कृष्ण, किसान, पुलिस जवान, विट्ठल भगवान, चार्ली चैपलिन, मंत्री जी, नारी शक्ति जैसे अलग अलग किरदारों पर आधारित वेशभूषा प्रदान किए हुए छोटे छोटे बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। शिवसेना उपतालुका प्रमुख राकेश म्हात्रे, कोनगांव की सरपंच रूपाली कराले, ग्राम पंचायत सदस्य आशा भोईर, उज्ज्वला कराले, सविता कीनी, रेखा म्हात्रे, कृतिका पाटिल, ताजमीन करेल, पूर्व सरपंच पांडुरंग कराले, ग्राम पंचायत सदस्य अशोक म्हात्रे, भरत जाधव, कांग्रेस के ठाणे जिला सचिव पंडरी सेठ भोईर, शेतकरी संगठना के गंगाराम पाटिल आदि राजकीय और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत मान्यवरों के हाथों फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में विजयी उम्मीदवारों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। केवल विजेता ही नहीं तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों का भी सम्मान किया गया। संतोष म्हात्रे सर, मोनिका पाटिल, अश्विनी मेस्त्री और हलदनकर मैडम ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में जज की भूमिका निभाई। नवदुर्गा मित्र मंडल के संस्थापक सुनील बलिराम म्हात्रे और अध्यक्ष नंदकिशन बलिराम म्हात्रे नवरात्रि उत्सव को परंपरागत तौर से मनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गरबा रास की धूम रहती है। नवदुर्गा मित्र मंडल के कार्याध्यक्ष गणेश पाटिल, विष्णु गाड़ेकर, प्रवीण महाजन, उपाध्यक्ष विदु नायर, कैलाश पाटिल, नितिन लाड़, सचिव वाल्मीकि पाटिल, अशफाक मुजावर, कांतिलाल कोहली, खजिनदार हरिलाल कुशवाहा, हरवेंद्र विश्वकर्मा, सुरेश कुंभार, राजू गोयल, हरेश भोर आदि लोगों का योगदान भी इस उत्सव को सफल बनाता है। आकिब शेख, जी वार्ता, कल्याण।